हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अब्दुल और यहाँ पे मैं आपको क्लास 9 के क्लास 10 के वीडियोस तो अभी अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये वीडियो की जरूर रिक्वायरमेंट आएगी, इसलिए मैं ये वीडियो पहले ही आप लोगों के लिए बना रहा हूं ताकि मैं आगे करिकुलम कैरी करूं तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। नाउ ये वीडियो का टाइटल भी आपने पढ़ा होगा कि आप स्क्वायर रूट किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का निकाल सकते हो विद इन 5 सेकंड्स। ऐसी मेथड यस है अवेलेबल है, लेकिन ये मेथड सिखाने से पहले हम आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन इसकी बता दूं कि ये मेथड करने से पहले आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो देन ये मेथड से आप 5 सेकंड में आराम से निकाल सकते हो। तो चलिए यहां पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने वेल एकेडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं और भी बनाने वाला हूं, ऐसी और भी ट्रिक्स आने वाली है। मैं लेक्चर्स तो डाल ही रहा हूं, ऑलरेडी डेली लेक्चर्स आ रहे हैं, लेकिन ऐसे ट्रिक्स वाली वीडियोस जो आपको कहीं भी कभी भी काम लग सकती है ऐसी वीडियोस भी आएगी। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, और यहां पे इस वीडियो को लाइक कर दो। आपका सिर्फ इतना ही काम है, बाकी का काम मेरा है आप लोगों को लेक्चर्स पहुंचाने का। तो यहां पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप परफेक्ट स्क्वायर का नंबर है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हो तो सबसे पहला 1 से लेके 10 तक के जितने भी स्क्वायर है उसको याद कर लो। मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। ये एक तरह की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। So, यहां पे अगर हम बात करते हैं कि अगर मुझे यहां पे किसी भी अननोन नंबर, ऐसा अननोन नहीं, सपोज मेरे पास एक नंबर है 15, तो 15 का मुझे परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, मैं कैसे फाइंड करूंगा? मेरे पास तो परफेक्ट स्क्वायर 16 है, मतलब 16 का 4 आंसर आता है, 15 का कैसे फाइंड करूंगा? So, यहां पे ये मेथड आती है। एक मैं यहां पे आपको फॉर्मूला दिखा दूंगा, एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, वो फॉर्मूला इजी है, बहुत इजी है। जैसे कि यहां पे आपको क्या करना है, x प्लस और माइनस y इक्वल्स टू अंडर रूट x प्लस और माइनस अंडर रूट, सॉरी यहां पर अंडर रूट नहीं आएगा, y अपॉन 2 इंटू अंडर रूट x। फॉर्मूला के अलावा भी कुछ चीजें हैं, मैं बता दूंगा आपको कि फॉर्मूला नहीं याद करोगे तो भी सिंपल एंड सोबर है, लेकिन फॉर्मूला याद रख लो काम बन जाएगा आपका। नाउ अंडर रूट 15 था, उसका हम फाइंड करते हैं। यहां पे आपको एक्स और वाई आपको दिख रहा है तो आपको सर्ड्स की याद आ रही होगी, सर्ड्स आपने किया था लाइक समवॉट लाइक दैट, ऐसा ही कुछ है। लेकिन यहां पे आपको जो एक्स और वाई की, एक्स और वाई किसको लेना है? अब आप बोलोगे कि मेरे पास अंडर रूट 15 है, तो यहां पे वीडियो छोड़ के मत जाना, वीडियो पूरी देखना, मैं आपको सजेस्ट करता हूं। ट्रिक को मैं डीपली समझा रहा हूं इसलिए आपको काफी टाइम लगेगा ये वीडियो को अच्छे से समझने में। सो यहां पे अंडर रूट 15 है, अंडर रूट 15 को यहां पे किस तरह से स्प्लिट करना है एक्स और वाई, ये तो आपको समझ में आ गया है कि ये जो नंबर है उसको स्प्लिट करना है। नाउ स्प्लिट इस तरह से करना है कि ये जो 15 है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, और एक जो पार्ट है जैसे कि मेरा जो x है वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब 15 है, 15 के पास परफेक्ट स्क्वायर कहां से आएगा, तो 15 से कम नंबर में देखो, जैसे कि अगर 15 है उससे कम नंबर में देखो तो 15 से कम में 9 आता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और 15 से ज्यादा अगर जाते हैं तो 16 आता है जो वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 15 से ज्यादा पास कौन है, 16 या 9? ऑब्वियसली 16 पास में है, तो 16 पास में है तो मैं क्या करूंगा, 16 जो है उसको x ले लूंगा, x इक्वल टू 16, क्योंकि x क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, y, y क्या होना चाहिए, जो भी हमारा x लेते हैं और उसके अंदर जो भी हमें प्लस करके या माइनस करके ये नंबर लाना है, जैसे कि 15 है और मैं यहां पे अगर x की जगह पे 16 रखता हूं तो अब यहां पे 15 था 16 लिया है तो 16 माइनस 1 करना पड़ेगा ना तभी ये 15 आएगा ना, 16 माइनस 1 करूंगा तभी ये 15 आएगा ना। तो यहां पे y क्या आएगा, जो भी एक अननोन नंबर बनेगा जो मुझे यहां पे नंबर बनाना है, मैंने यहां पे प्लस एंड माइनस लिखा हुआ है तो यहां पे माइनस भी ले सकते हैं प्लस भी ले सकते हैं। सपोज अगर मुझे 10 का फाइंड करना है जो कि हम अभी फाइंड करेंगे, तो 10 क्या है, 9 के करीब है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर 9 उसके करीब है, तो यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी, 9 और प्लस आएगा और y की वैल्यू 1 आएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं किस तरह से स्प्लिट कर रहा हूं, ठीक है ना। सो यहां पे 16 माइनस 1 यानी कि x की जगह पे 16, y की जगह पे 1, और अब ये जो है ये ले लिया, उसके बाद इसमें से फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू रख देनी है। जैसे कि यहां पे रूट एक्स प्लस वाई है उसकी जगह पे मुझे ये पूरा ये फॉर्मूला लिख देना है, तो मैं क्या करूंगा,
अंडर रूट एक्स क्या लिया मैंने 16 लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर प्लस और माइनस, हमारे केस में माइनस है तो माइनस लेंगे, फिर क्या है वाई, वाई क्या है 1 अपॉन 2 इंटू, यहां पे ये मल्टीप्लीकेशन है, मैं आप यहां पे अच्छे से लिख देता हूं, मल्टीप्लीकेशन है 2 इंटू अंडर रूट एक्स यानी कि अंडर रूट 16। नाउ रूट 16 है उसका आंसर आएगा 4 जो कि हमें पता है, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू रूट 16 का आंसर आएगा 4, तो 4 माइनस 1 अपॉन 8। So, यहां पे इसका आंसर हम फाइंड करते हैं 4 माइनस 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 8 को आप जितना फास्ट हो सके उतना सॉल्व कर सकते हो तो आपका आंसर फटाफट से आ जाएगा। So, यहां पे 1 बाई 8 अगर हम फाइंड करते हैं तो कुछ आता है आंसर कुछ इस तरह से माइनस 0.125, ठीक 0.125 आया। अब 4 माइनस 0.125 अगर हम फाइंड करते हैं तो कुछ करीब हमारा आंसर आता है 3.875, ठीक है यहां पे आंसर आया 3.875, और हर बार आपको अप्रोक्स लगाना है। रीजन अप्रोक्स लगाने का बिकॉज ये क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, रूट 15 क्या था नॉन परफेक्ट स्क्वायर, दैट मींस आपका आंसर और टेक्स्ट बुक कैलकुलेटर का आंसर थोड़ा बहुत वेरी करेगा, तो इन दैट केस आपको सेफ साइड के लिए अप्रोक्सीमेट लगा देना है, और कुछ कैलसी से सॉल्व करोगे तो कुछ करीब यही आंसर आएगा आपका। तो यहां पे मैंने बिना कैलकुलेटर के इजीली निकाल दिया। अब आप बोलोगे कि ये ट्रिक तो काफी लंबी है, ये मतलब 5 सेकंड में कभी नहीं होगा, लेकिन 5 सेकंड में शुरुआत में कभी नहीं होगा, आपको इसके पीछे थोड़ा सेक्रीफाइस देना पड़ेगा प्रैक्टिस का और काफी सम्स देने पड़ेंगे। सो यहां पे इसको देखते हुए मैं कुछ और सम्स को सॉल्व करता हूं, जैसे कि अब मैं ले रहा हूं अंडर रूट, यहां पे ले लेते हैं अंडर रूट 1, 2, 3, 4, मैंने अभी बड़ा नंबर ले लिया। अब मुझे याद है 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद है, मेरे पास नंबर 1, 2, 3, 4 इतना बड़ा नंबर है। सो व्हाट आई विल डू, अब 1, 2, 3, 4 के आसपास चलो मैं थोड़ा रैंडमली गेस करता हूं, मतलब 10 का स्क्वायर 100 होता है तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 होता है, 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 होता है, और अगर हम देखें 31 का स्क्वायर क्या होता है, 31 का स्क्वायर होगा 961, 32 का स्क्वायर अगर हम फाइंड करें तो वो कुछ होगा 1024, 33 का स्क्वायर फाइंड करेंगे 35 का स्क्वायर, मैं यहाँ पे नंबर्स को वन बाय वन स्किप करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आई शुड स्किप सम नंबर्स, तो यहाँ पे 33 का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो कुछ आता है। अब यहाँ पे मैंने 31 का लिया, 32 का स्क्वायर लिया, 33 का स्क्वायर लिया, फिर 34 का नहीं लिया, 35 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर। सो मुझे यहाँ पे एक पता चला कि जो 1, 2, 3, 4 जो नंबर है वो किसके बीच में आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर 1, 2, 2, 5 और 1, 2, 9, 6 के बीच में आ रहा है, मतलब बड़ा नंबर 1, 2, 9, 6 है, छोटा नंबर क्या है 1, 2, 2, 5 है। सो इस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम इससे कम वाला यानी कि इससे नियरेस्ट नंबर देखेंगे, तो 1, 2, 3, 4 से नियरेस्ट नंबर कौन सा है 1, 2, 2, 5 है, और इसके नियरेस्ट नंबर यहां पे ये क्या है 1, 2, 9, 6 काफी दूर चला जाता है कंपेयर टू दिस, तो यहां पे मैं किसको लूंगा x इस केस में 1, 2, 2, 5 को लूंगा, और y क्या आएगा मेरा, तो y क्या आएगा 1, 2, 3, 4 माइनस 1, 2, 2, 5। सो अगर आप देखोगे तो इसका आंसर आएगा 0, 0, 9 आएगा। सो यहां पे 9 आंसर आया, दैट मींस y मेरा क्या बनेगा 9 बनेगा। सी मैं बड़ा नंबर ले रहा हूं, दैट मींस आपको भी थोड़ी बहुत तो तकलीफ होगी, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप यूज टू हो जाओगे इस मेथड के। सो यहां पे मैं 1, 2, 3, 4 है उसको मैं स्प्लिट करता हूं दो पार्ट्स में, एक है 1, 2, 2, 5 प्लस 9। सो मैंने ऐसा कर दिया। अब फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या करेंगे अंडर रूट एक्स लिखेंगे, यानी कि ये रहा अंडर रूट एक्स, तो 1, 2, 2, 5 प्लस वाई की वैल्यू है 9 अपॉन 2 इंटू 1, 2, 2, 5। 1, 2, 2, 5 का 1, 2, 2, 5 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है किसका 35 का, तो 35 प्लस 9 अपॉन 2 इंटू 1, 2, 2, 5 का 35 आएगा। सो 35 प्लस 9 अपॉन 2 इंटू 35 क्या आएगा 70 आएगा, और अब आपको फाइंड करना है 9 अपॉन 70। सो 9 अपॉन 70 आप फाइंड करते हो तो आपका कुछ आंसर आता है 35 प्लस, तो यहां पे आंसर आता है 0.128, और अगर हम प्लस करें तो 35.128 इसका आंसर आता है। सो यहां पे इफ यू ऑब्जर्व हम आराम से आंसर लेके आ रहे हैं, और इसके आगे भी हम हमेशा की तरह अप्रोक्स लगा देंगे क्योंकि ये एंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको अब तो आइडिया आ गया होगा, ठीक है, फिर भी मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, और चलो तसल्ली के लिए एक और सम सॉल्व कर लेते हैं। एक और सम मैंने अभी रूट
10 को सॉल्व कर लिया और अभी रूट 1, 2, 3, 4 को सॉल्व कर लिया, अब मैं रूट 35 को सॉल्व करूंगा। रूट 35 मतलब कहां पे आ रहा है, 35 किसके बीच में आ रहा है, एक तो है 25 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है ये रहा, और एक है 36। नियरेस्ट कौन सा है, नियरेस्ट ये वाला है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, हमेशा की तरह x ले लूंगा 36 और y क्या आएगा, y 1 आएगा और बीच में माइनस की साइन रहेगी। सो यहां पे हम लिखेंगे 36 - 1। फॉर्मूला के हिसाब से आप करेंगे तो अंडर रूट 36 माइनस y की वैल्यू 1/2 इंटू अंडर रूट 36। सो रूट 36 का 6 माइनस 1/2 इंटू रूट 36 का 6, सो 6 - 1/2 = 12। सो 6 - 1/12 आ रहा है, तो 1/12 का आंसर आएगा 0.0083 और इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां पे इसका आंसर आता है 5.917 और यहां पे भी अप्रोक्स लगा देंगे। सो यहां पे अगर आपने देखा होगा तो इस बार मेरी सॉल्व करने की कैपेसिटी, मतलब मैं सॉल्व फटाफट कर रहा था, पहले मैंने आपको समझाया, अब इस बार मैंने फटाफट से ले लिया, बस थोड़ा सा स्ट्रगल यहां पे ये पॉइंट पे आता है, लेकिन मैं मानता हूं अगर आप अच्छे इसमें हो जाओगे तो इट विल आराम से आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो रूट 35 का आंसर भी आ गया। नाउ वी कैन से अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस करोगे तो 5 सेकंड में इसका आंसर जरूर आएगा। नाउ वो जो लॉन्ग डिवीजन वाली मेथड है, वो जो हम बॉक्स बना के करते थे, 8 and 8 standard में मेथड आती है, वो वाली मेथड से कई ज्यादा अच्छी ये मेथड है। सो आई होप अब आपको पता चल गया होगा। सो यहाँ पे अब आपको मैं होमवर्क देने जा रहा हूं, होमवर्क में आपको मिल रहा है यहाँ पे अंडर रूट 2, 4, 6, अंडर रूट 3, 9, 7, अंडर रूट 4, 27। ये तीन सम मैं आपको दे रहा हूं, आपको तीनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। सो यहां पे आपको मुझे इसके आंसर्स बताने हैं और मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं। अगर आपके आंसर्स ज्यादा आते हैं, आपका रिस्पांस अच्छा रहता है, तो ऐसी और भी वीडियोस आने वाली है जो अच्छे से अच्छी मैं आपको ट्रिक्स सिखा सकता हूं। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया है। वीडियो समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, ऐसे वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो अभी लेक्चर हमारी सीरीज आती है, बीच बीच में ऐसी वीडियोस आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।